व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर मतलब जीटे वाली गेम क्या बोल रहा हूँ मैं तो स्वागत है आपका फिर से एक बार। हम खेलने आ रहे हैं यहाँ पे जीटे 5। और ये देखो अभी मैंने इस बंदे को मारा है क्योंकि ये अपना यहाँ पे धूम्रपान कर रहा था जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बहुत दिन रेस्ट करने के बाद अपना फ्रैंकलिन निकल चुका है दूसरा काम करने, तो लेस्टर का कॉल आ गया था और अपनी फॉर्ड एंडेवर भी अपने लेस्टर के पास ही है तो मतलब उसके पास रहने देते फिलहाल। तो अपनी ये वाली गाड़ी कोई बात नहीं। तो अपने को मतलब अभी बोला था कि भैया और एक काम है कर ले फ्रैंकलिन, 3 दिन से बस सोया पड़ा था बेचारा। ओए 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 भाई, 3 दिन से सोया है, दारू पी के नहीं सोया था, इतना नशा क्यों चढ़ा है इसको, हर तरफ बस ठोकी जा रहा है गाड़ी। तो बहुत देर के बाद हम घर से बाहर निकले आज और मतलब हमको एक काम भी मिला है, वो कंस्ट्रक्शन साइड का काम है, शायद केरला वाली मूवी में नहीं रहता क्या, वो खाली करवाना है कुछ तो ऐसे वैसे कुछ तो रहता ना। अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसे वाला सीन लग रहा है मेरे को तो। Slick. Oh, you must be Michael's boy. Oh man, sometimes enlightenment, it can be a real bitch. Good to meet you. Yeah, likewise, homie. We hear you're a competent repo guy, yes? This is kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. What? Robbing my so-called friends, Slick. Why? Why? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly, I'm rich enough to do whatever the fuck I want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now, I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of cash. Okay, so the driver is also here. You must be the creepy one. That's coming from you, please. What's going on? You're going to dress up as traffic cops, and you're going to rob 2 trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? You finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know okay, what this is. Okay, so here's a very big scene. Kuch to chal raha hai. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you going to do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Okay, तो हमको अभी इस गाड़ी में बैठना है और लोकेशन पे जाना है। तो ये गाड़ी कन्वर्टेबल है क्या? भाई कन्वर्टेबल नहीं है गाड़ी यार, कन्वर्टेबल जाए थे मजा आ गया रहता। कौन सी गाड़ी है? जैगवार लग रही है मुझे तो, पर मतलब उसका सिंबल नहीं दिया है। कोई बात नहीं, सहलेंगे थोड़ा सा। तो अभी हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाने के लिए बोला था, और मुझे ये समझ नहीं आया कि वहाँ पे ट्रेवर और माइकल भी क्यों आ गए थे। शायद ये लेस्टर ने कुछ बड़ा मिशन दिया है जो कि मतलब तीनों को काम पे लगा दिया। और अभी जाते हैं फटाफट से हम। ओ बच गए। तो अभी मतलब लोकेशन पे देखेंगे यार कितनी बड़ी, ये इतने से रोड पे इतना बड़ा ट्रक क्यों है बे। हटो 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 हटो। तो अभी लोकेशन पे सीधा मतलब जाना पड़ेगा हमें, तो मिलते हैं सीधा लोकेशन पे। ओके, तो अभी हम बस लोकेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। और ये मतलब इस साइड पे है लोकेशन कुछ, तो पेट्रोल पंप पे क्यों है भाई ये लोकेशन। ओके, तो वहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हो, शायद वो गाड़ी हमें चुरानी है। तो फटाफट से जाते हैं इस लोकेशन पे। इस साइड से जाते हैं ताकि मतलब एकदम रूट से जाएंगे भाई। ओके ओके, भाई दो दो यहाँ पे सुपर कार खड़ी है। सुपर कार मतलब अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी है दो दो, तो शायद हमें इनके साथ रेस करनी है क्या?
रेस द कार। ओके भाई, इनके साथ हमें रेस करनी है भाई। क्या ही खटेरा गाड़ी है हमको मिले, और उससे कहा हम इनके साथ रेस करेंगे। शिट बेटा, तुमसे ना हो पाएगा भाई। मैदान के बाहर सीधा इन्होंने मुझे टाल दिया है भाई। वो कितने दूर गए। ओके, तो मुझे यहाँ पे मतलब थोड़े से दिख गए वो। और ये देखो यही पे, और यहाँ पे मतलब मैं हॉर्न दबा के रखता हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी वाले थोड़े साइड दे भाई। इनके पास कितने अच्छे अच्छे सुपर कार है, मतलब देख पा रहे हो ना। और मेरे पास ये घटिया वाली कौन सी तो गाड़ी दी है इन्होंने। ओ तो दोनों ने दूसरा रोड यूज किया। ओके, तो आ गए हम फिर से एक बार लेन में। भाई मैं कितना यार, ये कौन सी गाड़ी है ऐसे यार, पूरा इनके साथ मतलब। मैं अभी फिर से मैं स्पीड में अभी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। बहुत ही घटिया गाड़ी दी यार इन्होंने मुझे। कोई बात नहीं अभी मतलब। ओ मुझे एक तो रोड भी नहीं मालूम, एक काम करता हूँ इनके। ओ ओके, तो एक मेरे पीछे शायद उसका भी एक्सीडेंट हो गया है, और एक आगे मुझे उससे उसके मतलब उसके पास पहुंचना होगा, वो ऑरेंज वाले गाड़ी के पास, ताकि मतलब वो आगे ना चला जाए। ओके, माइकल का फोन आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमको शायद उस गाड़ियों को ये करना है। ओके, तो मुझे वो कार रुकानी है कैसे भी करके। ड्राइवर उस साइड गया है, और मैं ब्लू वाली कार को पकड़ूंगा, और ऑरेंज वाली कार को ड्राइवर पकड़ लेगा अपना। देखो भाई क्या स्पीड में भाग रहे हैं वो लोग। भाई बहुत तेज भगा रहे वो गाड़ी यार। मेरे ये बाइक तो उनके तरफ पहुंच भी नहीं रही है, उनके आसपास भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं। ओके, तो मेरी अभी बाइक है 207 पे, बहुत अच्छी खासी स्पीड पे भगा रहा हूँ, पर फिर भी यार बहुत ही तेज भगा रहे वो लोग। मैं फ्रैंकलिन भी उनके पीछे पड़ा है फोर व्हीलर लेके। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने रुका दी है गाड़ी। अभी मजा आएगा। Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you're going? See, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there. So why don't you get yourself out of the car? Come on, officer. भाई अपना ड्राइवर की तो अलग ही चेकिंग रहती है। ओके, शायद अभी हमारी बारी हो सकती है। अब तक तो ये बहुत खतरनाक भाग रही थी, अभी तो मेरे हाथ में आ गई और एक्सीडेंट हो गया। Speak. Ah, the lady from before, Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's Holding Company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cards? Wow. Whole resume. Yeah, we got the numbers. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. I'll be waiting in Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Abbe, main jaane wala tha yaar, bas gaya. Gaadi ki halat dekho, puri udaa di hai maine gaadi. Okay, to abhi hum location pe pahunch gaye hain. और आते आते हमने हमारी ये वाली गाड़ी भी रिपेयर कर ली है। मतलब अगर आप मतलब
चलाते चलाते ठोकेगी तो हमको तो रिपेयर करना ही पड़ेगा ना। तो अभी मतलब हम आ चुके हैं यहाँ पे और शायद ओके। ओ ओ ओ भाई Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the cars, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. ओके, तो अभी हमको थोड़ा और एक बड़ा मिशन मिल गया है, पर इस वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए मतलब और बने रहिए हमारे साथ। और मतलब हमको और तीन गाड़ियां चुराने हैं जो एक आदमी के पास है और वो अपना लेके भाग रहा है। तो अगले वीडियो में मैं वो तीन गाड़ियां ज़रूर चुराऊँगा। तब तक के लिए ये गाड़ी पहले चुरा लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। To change your